हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। मैं बैठ गई हूँ अपने हॉल के विंडो के पास क्योंकि हवा बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। उठने का बिल्कुल भी यहाँ से मन नहीं कर रहा। मैं एक घंटा से यहीं पर बैठी हुई हूँ, चाय वगैरह भी मैं यहीं पर पी लूँ। और काम वाली दीदी भी अभी तक आई नहीं है, बैठे बैठे भी उनका वेट कर रही हूँ मैं, कब आएंगी। आने से फिर भी मुझे पूजा वूजा करना है क्योंकि आज नहा कर ही कुछ खाऊंगी ना, इसीलिए। बट अभी तक आई नहीं है और थोड़ा डर भी लग रहा है अंदर से कि आएंगी कि नहीं आएंगी। और आज पापा भी आ रहे हैं तो इसीलिए, मतलब घर पे कोई आने से थोड़ा और काम बढ़ जाता है, तो मेड का आना उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पापा आ रहे हैं आज क्योंकि हम लोगों को कल जाना है एक घाट पे, जो मेरी खुद की, जो मेरी अपनी मासी है, उनकी जो मदर इन लॉ है वो डेथ कर गई है। तो हम लोग को घाट वाट जो देना पड़ता है तो वही वाला हम लोग कल ले जाएंगे, जिसकी शॉपिंग हम लोग आज करेंगे, मैं और पापा मिलके। मैं अपना खुद लूँगी, पापा लेंगे। बट पापा को शॉपिंग करवाने वाला मतलब कोई नहीं है, मतलब मम्मी तो गई है हैदराबाद, तो पापा बोले कि तुम्हारे ही घर आ जाते हैं, तुम ही खरीद देना। तो पापा को उतना आइडिया नहीं है, मतलब बच्चे लोग को, लेडीज लोग को क्या लेना है, तो उसमें मैं हेल्प कर दूँगी पापा को। और आज मैं भी ले लूँगी, आज लास्ट डे है क्योंकि कल जाना है, कल टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए आज ही हम लोग खरीद लेंगे वो सब जो भी खरीदना है। और आज संडे है बट माई के पापा घर पे नहीं है। ये क्यों होता है मेरे साथ? चले गए हैं आज भी ऑफिस। आज ऑफिस तो बंद है बट कुछ लाइन वाइन का कुछ काम चल रहा है, तो इसीलिए वो सुबह ही उठ के चले गए मेरे उठने से पहले। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। फिर कोई नहीं, मैंने सोचा था सुबह उठ के मैं अच्छा खासा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी उनके लिए, बट अब मन नहीं कर रहा बनाने का। तो वो अब ब्रेकफास्ट के टाइम पे तो नहीं आ पाएंगे, लंच में आएंगे, तो लंच ही कुछ अच्छा सा बना दूंगी उनके लिए। सो फ्रेंड्स, अभी हो गई है शाम, शाम के अभी 5 बज रहे हैं और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और अभी हम लोग निकल रहे हैं वही ख़रीदारी करने, कपड़ा वपड़ा उन लोग के लिए। और बारिश हो रही है सुबह से, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, मतलब हो रहा है फिर छूट रहा है फिर हो रहा है छूट रहा है, सुबह से ऐसे ही हो रही है। और हम लोग सोचे थे लंच करके ही निकल जाएंगे बट बारिश के वजह से रुके हुए। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है बट अभी हम लोग कार से जाएंगे और शॉप में घुसना है, लेना है और आ जाना है, और क्या ही करना है, मौसम बहुत अच्छा है। ये देख सकते हैं बाहर का, मौसम। मैं अपने बालकनी से दिखा रही हूँ और ये हमारा घर, ये ऊपर में टेरिस, और देखिए नीचे कैसे पानी भर जाता है हमारा। ये बहुत दिक्कत होता है बारिश के टाइम पे, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। एक बार तो घर के अंदर पानी घुस गया था, उसकी वजह से काफ़ी फर्नीचर वगैरह भी हमारा ख़राब हो गया था। और ये हमारे आस पड़ोस के घर, सो फ्रेंड्स मेरे पापा भी आ चुके हैं, माही के पापा भी आ गए थे। उनको मैंने डांट लगाया तो कुछ कॉल पे, तो फिर आ गए थे अपना जो भी था वो सब छोड़ करके। तो बोले कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ तुम लोग के साथ, फिर से चला जाऊँगा। फैमिली को ऐसे भी पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, काम को भी देना चाहिए बट फैमिली को सबसे फर्स्ट में रखना चाहिए। तो वो हम लोग के लिए आ गए थे, उसके बाद फिर वापस से गए थे और फिर आ गए हैं। फिर बोल रहे हैं कि फिर तुम लोग को शॉपिंग वगैरह करवा के फिर से मुझे थोड़ी देर के लिए जाना ही पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, चलो हमारा भी काम हो जाएगा। तो बस हो गया सब कुछ, अब निकलते हैं हम लोग। माही भी रेडी है और माही का पापा भी रेडी है। ये सुबह से, लेकिन कुछ देर में अब सो जाएगा। तो सो जाएगा तो ठीक है ना, आप लेके रखिएगा। ऐसे भी इस गाड़ी में बैठते ही सो जाता है, इसमें कौन सी नई बात है।
अच्छा खासा बारिश हुआ है। राहुल राहुल फ्रेंड्स, बहुत बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप लोग, पूरा भीग भीग के हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के एकदम। काटो काटो और जैसा कि मैंने निकलते टाइम बोला था, मेरे पतिदेव जी घर में ही रहेंगे और हम लोग को भेज देंगे अकेले, जाओ तुम लोग। सो फ्रेंड्स, अभी घर तो हम लोग आ चुके हैं, बट घर में आके पता चला कि कुछ कुछ मैं भूल गई हूँ लेना, तो वो सब लेना ही पड़ेगा। और कुछ कुछ तो मिला नहीं, ऊपर से बारिश हो रहा था तो फटाक से कोई दुकान में घुस रहे थे फिर वापस अंदर आ जा रहे थे, तो उसकी वजह से ठीक से हम लोग ले नहीं पाए सब कुछ। तो कुछ कुछ बाकी है जो कल ले लूँगी, और कोई ऑप्शन नहीं है, कल जाते टाइम ले लूँगी। सो हम लोग आज ही मतलब निकल पड़े, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 7 बज रहा है, तो सोचे कि आज ही ले लेते हैं, कल पता नहीं ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले हम लोग को ही वहाँ पहुँचना है, तो बस हम लोग बाइक से निकल पड़े दोनों। मौसम बहुत अच्छा है तो अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, ये ब्लॉग मैं नेक्स्ट डे शाम को 4:30 बजे कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी हम लोग निकल रहे हैं घाट घर के लिए, मतलब तो मासी के घर जा रहे हैं अभी हम लोग। बदमाशी कर रहा है यहाँ पे, बदमाशी कर रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं घाट पे और अभी लेट है थोड़ा, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं अभी, और बाद में आके कपड़े वपड़े ले जाएंगे हम लोग। Gracias.
का मायके है जो कि मेरे मासी घर के पास ही है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे उसे चाय वाय पीने। तो ये दिखाते हैं आप लोग को उनका घर। उठो बबलू, क्या कर रहा है? उठो महित, महित, महित इधर आओ। तुम बताओ तुम कहाँ आए हो? मैं मामा घर। ये महित का मामा घर है ना? हाँ महित तुम्हारा मामा घर है। महित का मामा घर यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं चाय वाय पीने, चाय और नाश्ता करने। मेरे पापा, मेरे नाना जी और वो जो बीच में जो बैठे हैं वो हैं रीना के ससुर। और ये लोग सब वो देखो वहाँ पे अंदर माही क्या कर रहा है। हम लोग गिन रहे थे कि यहाँ पे कितना कपड़ा कलेक्ट हुआ है, उसमें से 22 साड़ी हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये ब्लॉग मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था तो मैं वो ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। बहुत एक स्वीट से मेरी वहाँ पे एक भतीजी है, मतलब हमारा जो ससुराल है गाँव, वहाँ पर एक मेरे भैया लगेंगे, जेठ जी लगेंगे, उन्हीं की वो बेटी है। उनका भी घर वहीं पे है, मासी के घर के थोड़ा सा पास में ही है। और बहुत स्वीट सी है, बहुत अच्छी सी है, बहुत प्यारी सी है। मैं जब जाती हूँ तो हमेशा मुझे ये खिलाना वो खिलाना, प्लस मुझे रुकने के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी कि चाची रुक जाइए हमारे घर में, ऊपर में जो भी एसी वगैरह रूम है वो आप लोग को दे दिया जाएगा। लेकिन हम लोग को तो रुकना नहीं था इसलिए हम लोग आ गए। तो वो सब मैं शूट नहीं कर पाई, ना ही आप लोग से मिला पाई। तो खैर नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलवाऊँगी मैं आप लोग से। और अभी मैं आ गई हूँ छत नहा करके, और देख सकते हैं आप लोग आज का मौसम कितना सुंदर सुंदर मौसम क्या है, और हवा भी चल रहा है। मैं यहाँ पे कपड़े काटने आई थी क्योंकि 2-3 दिन से धूप तो हुआ नहीं था, तो मैं सोची कि हवा में ही सूख जाए। और माँ ही खेल रहा है छत पे। चलिए मिलती हूँ आप लोग से अब नेक्स्ट ब्लॉग पे। नेक्स्ट ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग जरूर देखिएगा। मैं तो अभी नहीं बताऊँगी क्या होने वाला है, बट आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिएगा। ओके बाय बाय।